एवरीवन वेलकम टू क्रंच आई आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एम श्योर कि आप लोगों ने अभी तक न्यूज में देख लिया होगा कि आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है सकीना इतू मैम उन्होंने 575 पोस्ट्स जो है लेक्चरर की प्लस टू लेक्चरर की वो रेफर की है जेके पी को ठीक है तो जो लेक्चरर पोस्ट है वो आपकी गेजेटेड पोस्ट है इसीलिए वो एग्जाम जेके कंडक्ट करता है ना कि आपका जेके तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्दी आपको कोई नोटिफिकेशन जेके की तरफ से आ जाएगी जिसमें आपके जो लेक्चर पोस्ट वगैरह हैं वो नोटिफाई हो जाएंगी ठीक है तो आपने क्या करना है अब आपको अब यू डोंट हैव टू वेट एनी फर्दर कि आप वेट करो कि कब पोस्ट आएंगी एंड कब आप अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे अब न्यूज़ आ गई है मार्केट में एक बार ही दैट मीन्स कुछ टाइम में आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी तो रिमेंबर ऑलवेज़ अर्ली बर्ड कैचर्स द प्रे मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप टाइम से पहले स्टार्ट करें स्टे अहेड ऑफ योर टाइम दैट वे यू विल स्टे अहेड इन योर गेम ठीक है अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है कंसिडरिंग द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दैट द सोसाइटी हैज़ राइट नाउ आपको प्रिपरेशन बहुत पहले से ही स्टार्ट करनी है अपना कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अभी करंटली मैं एन का कोर्स एस SI आई का कोर्स करवा रही हूँ अपने वेबसाइट uh, पे एंड ऐप पे कारण क्रंच एंड बाकी सारे कोर्सेज भी पर इनकी एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी क्योंकि अभी इनका सिलेबस नहीं आया है तो जो पुराना सिलेबस है उसको बेस बना के हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है जब फाइनली नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपको कुछ ही चीज़ें जो है उनमें चेंजेस लानी होंगी एंड मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स जो है वो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो अबाउट थिंग्स आपको स्टार्ट जो है वो पहले ही करना होगा ताकि आप एग्ज़ाम जो है वो आसानी से क्वालिफाई कर पाए फाइन तो ये जो सिलेबस सिलेबस है ये 2016 का syllabus है, जो आपके टेन प्लस टू लेक्चर फॉर सोशियोलॉजी सिलेबस आया था ठीक है तो टेन प्लस टू की जो कोचिंग है वो ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स के साथ होगी जिन्होंने सोशियोलॉजी ठीक से अच्छा। पढ़ी है तो मुझे आपको पूरी डिटेल देने की जरूरत नहीं है आई गेस कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से मिलेगा मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो इसमें मैंशन है वो आपको कहाँ से मिल जाएंगी इग्नो से बाकी आपको पता है कौन कौन सी बुक्स थोड़ा एनसीआर टी की इलेवन ट्वेल्थ अगर सोशलॉजी की पढ़ लोगे तो उसमें भी आपको इंडियन सोसाइटी रूरल सोशोलॉजी वगैरह एंड इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी वो सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी तो टेन प्लस टू लेक्चर सोशोलॉजी की जो हमारी क्लासेस हैं वो मैं फ्री में यूट्यूब पे ही कंडक्ट करूंगी एज ऑफ नाउ मैंने यही सोचा है अनलेस इसकी कोई मेजर चेंज आ जाए ठीक है तो यूट्यूब पे क्लासेस होंगी एंड वी विल स्टार्ट वी विल नॉट वेट एंड आई वुड नॉट वांट यू गाइस टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन सिंस द न्यूज हैज कम आउट तो आई आई थिंक इट्स हाई टाइम कि यू गाइस स्टार्ट प्रिपेयरिंग हमारी दो तीन क्लासेस होंगी वीक में पूरा वीक नहीं चलेंगी अभी क्योंकि हमें अभी श्योर नहीं है कि यही सिलेबस होगा या इसमें कुछ चेंजेस आएंगी बट वी कैन टेक द सिलेबस एज अ बेस एंड स्टार्ट आर प्रिपरेशन है ना फिर ऑन द वे हम जैसे भी सिलेबस आता है तो हम अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे तो दो तीन क्लासेस होंगी आपकी मैक्सिमम यूट्यूब uh, पे ही सोशोलॉजी की ठीक है एंड जो फिर इसकी टेस्ट सीरीज होगी वो पेड होगी टेस्ट सीरीज पेड होगी ठीक है वो आपको हेल्प करेगी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में एंड वो आपको मेरी ऐप आप डाउनलोड uh, करके वहाँ से आप परचेज़ करेंगे टेस्ट सीरीज़ अभी वहाँ पे मैंने अपलोड नहीं करी है द सिलेबस कम टेस्ट सीरीज़ बाद की बात है वो बाद में आप वहाँ से परचेज करके आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं लेकिन ये जो कोर्स है हमारा टेन प्लस टू लेक्चर सोशोलॉजी का ये मैं फ्री में आपको यूट्यूब पर करनाऊँगी एंड बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे ऑल आई हैव पॉजिटिव ऑफ टाइम क्योंकि करंटली मेरे काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं रिसेंटली हैव स्टार्टेड टेली कम्युनिकेशन ऑल्सो बिकॉज बेसिकली हूँ तो मैं बी टेक स्टूडेंट ही रही हूँ बी टेक इंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो मैंने टेलीकॉम का भी कोर्स स्टार्ट किया है जे के कॉन्स्टेबल का लेकिन मैं टेन प्लस टू लेक्चर सोशोलॉजी स्किप नहीं करूँगी किसी भी हाल में बिकॉज सोशलॉजी इज माई पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट ठीक है तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगी सिलेबस भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे बट वी विल नॉट वेट फॉर द सिलेबस टू कम आउट हम स्टार्ट करेंगे पुराने सिलेबस से एंड देखेंगे कहाँ पे क्या चेंजेस लानी है सो दिस कोर्स ऑफ टाइम जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम हम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें सीखेंगे एंड काफ़ी अच्छे से हमारी प्रिपरेशन करेंगे ताकि सिलेक्शन uh, जो है वो हो जाए एटलीस्ट जो तो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ेंगे वो लेक्चरर बन जाए ठीक है तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो ब बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे